हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम साइंस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो हम लोग काफ़ी सारी इस चैप्टर में पूरा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स मतलब रेशों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कौन कौन से रेशे तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से रेशे हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं लेबोरेटरीज और समथिंग लाइक दैट, है ना, कंपनीज वगैरह में आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं मतलब। तो एक टाइप के तो हुए जो नेचर से प्राप्त होता है, एक हुए जो इंसान खुद बनाता है, करेक्ट। आप मोटे तौर पर देखें तो जो नेचुरल थे वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, लास्ट क्लासेस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल कौन कौन से हैं सिक्स्थ में और सेवन्थ में। अच्छा, एट्थ की अगर हम लोग बात करें तो एट्थ में अपने पास क्या है, एट्थ में अपने पास मैन मेड फाइबर्स है ना, जो सिंथेटिक फाइबर्स जिन्हें आप बोलते हो मैन मेड फाइबर या फिर मानव निर्मित रेशे आप हिंदी में बोलते हो। तो मानव निर्मित रेशों में क्या देखते हैं, मानव निर्मित रेशों में हमने पढ़ लिए थे, एक तो वो पढ़ लिया था नायलॉन, है ना, एक रेवन पढ़ लिया था, करेक्ट। उसके बारे में हमने कौशन भी दिए थे लोगों को कौशन करने, करेक्ट। अब हम पढ़ते हैं पीईटी के बारे में, देखो पीईटी है ना, पीईटी इसको शॉर्टकट में पीईटी बोलते हैं और इसका नाम है, इसका नाम मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। बहुत बार इसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, अरे इसे प्रोनाउंस करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे तो बोला जाता है पॉलीथिलीन, इसके मैग्नेटिक टेप बनाने के लिए काम में आता है,
दूसरा यूज है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बनाने में काम आता है। मैग्नेटिक टेप कौन सा? मैग्नेटिक टेप अगर आपको ध्यान हो तो पहले के जमाने में हो सकती थी कैसेट वगैरह है ना, तो जिसमें एक ऊपर प्लास्टिक की वो रील हुआ करती थी और उसको ऑडियो प्रेस को डाल के गाने वाने बजा करते थे। पता नहीं किस तरह मैग्नेटिक टेप और भी टेप होती है, ज़्यादा टेप मैग्नेटिक टेप होती है। थर्ड कंटेनर फॉर पैकेजिंग, मतलब पैकेज जब आप किसी चीज़ को पैक करते हो तो उसके लिए कोई कंटेनर होता है ना, वो कंटेनर बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो पैक करने के लिए कंटेनर होते हैं वो बनाने के लिए काम आता है। पीईटी बोतल सबसे खास बात है, पीईटी बोतल्स, पीईटी बोतल्स खास बात हो रही है। पीईटी बोतल्स जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स जो आप देखते हो मार्केट में वो किसकी होती है? वो पीईटी की होती है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती है प्लास्टिक वाली वो किसकी होती है? वो पीईटी की होती है। ऐसा नहीं कि सारे प्लास्टिक सेम होते हैं, वो आपको दिखने में एक जैसे होते हैं है ना, आपको लगता है कि एक जैसे, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। प्लास्टिक तो वो बोतल्स किसकी होती है? पीईटी की। क्लियर? इसके बाद है लाइफ टाइम होगा, कुछ निश्चित समय तक ही वो रह पाएगा या
कुछ निश्चित समय तक वो अच्छा रह पाएगा, उसके बाद यूज करोगे तो खराब होने लगता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी लंबे समय तक यूज में लिए जा सकते हैं, तो दूसरा यूज ही हो गया। थर्ड इजी टू आयरन है ना, प्रेस करना तो ये चीज़ लेकिन है, साथ में ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती प्रेस वगैरह करने की, ठीक है। फोर्थ सस्ता भी पड़ता है ना। बाकी अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें जो प्रकृति से प्राप्त रेशे हैं वो तो हमें ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, जबकि मानव निर्मित कैसे पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं। और भी आप देख सकते हो वाटरप्रूफ भी बनाया जा सकता है और जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे काफ़ी सारी यूजेस आपके बुक में लिखे हुए आप देख सकते हो। अच्छा, एडवांटेज तो होगा कि ये, अब हानियाँ क्या क्या है। एक तो हानि है कि जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए डेंजर होता है थोड़ा सा, है ना, आग के थोड़ा पास रखते हैं, मान लो कपड़ों में आग लग जाए तो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, एक पहला तो ये है। दूसरा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी भी एक स्केल लो, स्केल को सर में रगड़ के कागज के पास लगा तो कागज उठने लगता है, ठीक उसी टाइम से ये जब हमारे शरीर पर रगड़ जाते हैं तो ये भी चार्ज हो जाता है, हमारे स्किन और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रेजेंट हो जाता है ना, तो एक वो है। थर्ड है ये हमारे पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते ना, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते हमारे पसीने को, तो वो एक डिसएडवांटेज है। और एक है एक लास्ट है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब कंपोज डिकम्पोज इजीली नहीं होते, डिकम्पोज होने का मतलब है इनके घटक वापस आसानी से नहीं होते, वापस आसानी से खत्म नहीं होते, करेक्ट। तो इसका मिसयूज कैसे, जैसे मान लो आपने एक प्लास्टिक या प्लास्टिक को फेंक दिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक प्रकृति में पड़ा रहेगा, जबकि आपने मान लो कुल्लर लिया, कुल्लर को फेंका तो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, तो इनकी आपने रुई को फेंका रुई आसानी से डिकम्पोज हो जाएगी, तो ये डिकम्पोज नहीं होते जिससे हमारी प्रकृति को काफ़ी नुकसान होता है, क्लियर। तो इस तरीके से आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की, कल बात करेंगे कि फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, गुण क्या क्या है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये सारा का सारा आप क्या करोगे, इनके नाम लिखोगे, किससे बनते हैं वो, फिर इसके उपयोग, ऐसे ही इसका नाम किससे बनता है और उसके उपयोग, ऐसे ही और उसका नाम किससे बनता है और उसके उपयोग, करेक्ट। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं, क्लियर। तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाते रहना, ओके।